हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 40 एमसीक्यूज फॉर प्लांट साइंस। द टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट इज पीजीआर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फुलिस सीडलिंग डिसीज लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिबेरेलिन। द फुलिस सीडलिंग डिसीज वॉज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ जिबेरेला फुजिकोराई एंड द एक्टिव सब्सटेंस लेटर आइडेंटिफाइड एज जिबेरेलिन इन प्लांट। क्वेश्चन सेकंड, डैश इज अ वुंड हीलिंग एजेंट इन प्लांट। ट्रॉमेटिक इज अ वुंड हीलिंग एजेंट इन प्लांट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन थर्ड, अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सिन टू इंड्यूस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्सिन इज यूज्ड फॉर इंड्यूस पार्थेनोकॉर्पी इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर फोर, which of the following pair is not correctly matched? Here option C is correct, gibberellin cause stem elongation or internode elongations, does not cause leaf fall. Otherwise three options. First, indole 3 acetic acid cause cell wall elongation, cytokinin cause cell division, and abscisic acid cause stromatal closure are three correct. Otherwise gibberellin does not cause leaf fall, that's why option C is correct. क्वेश्चन नंबर फाइव, ज़ेटिन ऑब्टेन फ्रॉम मेज इज। ज़ेटिन इज साइटोकिनिन ऑब्टेन फ्रॉम एंडोस्पर्म ऑफ मेज, इज अ ग्रोथ प्रोमोटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन सिक्स, 2,4-D एक्ट एज फ्रूट सेटिंग हॉर्मोन व्हेन अप्लाइड। 2,4-D व्हेन अप्लाइड एज लेस देन 20 ppm, इट एक्ट एज फ्रूट सेटिंग हॉर्मोन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन सेवन, जिबेरेलिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस नेम जिबेरेला फुजिकोराई। क्वेश्चन नंबर एट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर कॉजिंग डिफॉलेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2,4-D इज केमिकल यूज्ड फॉर कॉजिंग डिफॉलेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। क्वेश्चन नाइन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द मेटाबोलिज्म ऑफ रिजर्वर फूड मटेरियल इज डन बाय। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिबेरेलिन। जिबेरेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलिज्म ऑफ रिजर्वर फूड मटेरियल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर टेन, अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन इज जनरली यूज्ड फॉर। अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन, दैट इज 2,4-D व्हेन अप्लाइड एज मोर देन 20 ppm, एक्ट एज सिंथेटिक ऑक्सीजन यूज्ड फॉर वीट कंट्रोल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, जिबेरेलिन स्टिमुलेट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिबेरेलिन स्टिमुलेट्स इलांगेशन ऑफ इंटरनोड्स, दैट्स वाई द हाइट ऑफ प्लांट्स इंक्रीज एबनॉर्मली इन फुली सीडलिंग डिसीज। क्वेश्चन 12, इथिलीन इज अ गैसियस हॉर्मोन यूज्ड फॉर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हस्टेनिंग द रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, स्प्राउट स्टॉप इज अ ट्रेड नेम ऑफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेलिक हाइड्राजाइड। दिस हॉर्मोन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंट द स्प्राउटिंग इन ऑनियन इन स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 14, विच हॉर्मोन ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिबेरेलिन इज यूज्ड फॉर ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्लांट हॉर्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, साइटोकिनिन इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 16, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ। जिंक इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17, कोकोनट वाटर कंटेन्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोकोनट वाटर कंटेन्स साइटोकिनेंस। क्वेश्चन नंबर 18, द हॉर्मोन विच हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज ऑपोजिट इफेक्ट एज ऑफ एक्सिन। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट प्लांट हॉर्मोन डिस्कवर्ड वॉज, एक्सिन इज द फर्स्ट प्लांट हॉर्मोन डिस्कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, एब्जेसिक एसिड ABA इज अ ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन, इट कॉज मेडिएट्स स्टोमेटल क्लोजर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन ट्रेस कंडीशंस द स्टोमाटा इज क्लोज्ड बाय एक्शन ऑफ एब्जेसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21, हॉर्मोन विच प्रिवेंट्स ऑनियन स्प्राउटिंग इन ऑरेंज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैलिक हाइड्राजेड रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज्ड फॉर prevent the sprouting of onion in storage, option. Question 22, ethylene increase, option B is correct, ethylene increase respiratory climate. Question number 23, hormone responsible for controlling or triggering flowering in plants, Florigen is a hormone responsible for controlling or triggering flowering in plants. Question 24, which of the following is dicot weedicide? 2,4-D is a dicot weedicide, that is synthetic auxin. It is not effective against monocot species. Question number 25, leaf abscisin fruit fall bud dormancy occur by the which phytohormones, option A is correct, abscisic acid. Question number 26, gibberellin differ from auxin since they produce, stem elongation, option D is correct. Question number 27, The term phytohormones was first coined by Thiamine, option B is correct. Question number 28, which of the following acid is derivative of carotenoids, option D is correct, abscisic acid is a derivative of carotenoids. Question number 29, plant function not controlled by auxin, here option A is correct, photosynthesis, otherwise phototropism, growth and apical dominance are controlled by auxin but not photosynthesis. Question number 30, which of the following prevents the fall of fruits, option D is correct, NAA, that is naphthalene acetic acid, is responsible for prevents fall of fruits. Question number 31, the first naturally occurring cytokinin was isolated from, option B is correct, endosperm of maize. The first naturally occurring cytokinin was zeaxanthin and that was isolated from endosperm of maize. Question number 32, yield of sugar in sugarcane can be increased by the application of, option C is correct, gibberellic acid. By the application of gibberellic acid in sugar, the yield of sugar in sugarcane can be increased. Question 33, deficiency of which hormone result in viviparity, abscisic acid, option D is correct, the deficiency of abscisic acid can cause viviparity in plants. Question 34, which hormone promotes femaleness in flowers, here ethylene, auxin, cytokinin, all these cause femaleness in flowers, option D is correct, all of these cause promotes femaleness in flowers, that increase the female flower in plant. Question 35, abscisic acid is synthesized in which part of the plant, option C,
इन लिव्स एब्सेसिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 36, पाइनएप्पल कैन बी मेड टू फ्लावर इन ऑफ सीजन बाय एप्लीकेशन ऑफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इथिलीन। बाय द एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन पाइनएप्पल कैन बी मेड टू फ्लावर इन ऑफ सीजन बाय इथिलीन। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज यूज्ड इन ड्राई फार्मिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एब्सेसिक एसिड यूज्ड इन ड्राई फार्मिंग ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन विच हेल्प इन इम्प्रूव द वाटर यूज एफिशियंसी बाय द कंट्रोलिंग स्टमाटा क्लोज एंड ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस, साइटोकिनिन्स हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच एग्जीन डज नॉट कॉज रूटिंग इन कटिंग्स, हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 240। 240 सिंथेटिक एग्जीन डज नॉट कॉज रूटिंग इन कटिंग्स, अदरवाइज थ्री एग्जीन्स IAA दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, NAA न्यूपथेलिन एसिटिक एसिड एंड IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड कॉज रूटिंग इन कटिंग्स बट डज नॉट कॉज बाय 240। क्वेश्चन नंबर 40, इथिलीन इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इथिलीन इज अ गैसियस हार्मोन यूज्ड फॉर हस्टेंस द रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।